तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के स्टॉक के बारे में। एक्सिस बैंक के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक है हमको अप्रैल से ही यहाँ पर लगातार पहले क्लियर अपट्रेंड में देखने को मिल रहा था। हमको यहाँ पर स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया जिसके बाद से अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली थी। लेकिन आज हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन स्टॉक के यहाँ पर सपोर्ट से 1.74% की यहाँ पर तेजी भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से भी और तेज़ी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक पर 977 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक पर 996, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 1021, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1050, इसके बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक है 1100, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में 1.52 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक का 951 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक का 930, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक का 912, एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 892 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।